हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। हमारे बच्चों, आई होप एवरीवन इज फाइन एट योर होम। चलो बेटा, आज हम अपनी हिंदी क्लास फिर से स्टार्ट करते हुए अपना टॉपिक लेते हैं हिंदी पाठमाला का पार्ट दो। ठीक है, होनहार दीवान के हो तुमने पार। ये चैप्टर हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था। इसकी एक छोटी सी फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि एक छोटा सा बालक होता है 15 साल का, जिसका नाम अब्राहम होता है, और वो अपने जो है स्वभाव से कैसा होता है, बहुत परिश्रमी होता है, दृढ़ निश्चय होता है और दयालु होता है। तो अपनी अपनी इसी भावना, अपने इसी स्वभाव के कारण वो एक दिन क्या होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। वो क्या है कि एक दिन शाम का समय होता है, जब अपने दोस्तों के साथ घर जंगल की ओर जा रहा होता है, तो सामने से आते हुए उनको एक घोड़ा दिखाई देता है। घोड़े पर सवार नहीं होता है, लेकिन उसके पर जिन होती है। तो फिर क्या करते हैं, उनको लगता है कि घुड़सवार कहीं गिर गया होगा, है ना। तो वो ढूंढते हैं उसको जंगल में, लेकिन दोस्त तो मना कर देते हैं। उन्हें सामने घुड़सवार गिरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन दोस्त उसको उठाने से मना कर देते हैं। लेकिन इब्राहिम क्या कहता है कि नहीं, हमें किसी को ऐसे मुसीबत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, हम उसकी मदद करनी चाहिए। दोस्त क्या कहते हैं कि हम इसको जानते नहीं है, तो हम इसकी मदद क्यों करें। तो क्या कहता है इब्राहिम कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें जानने पहचानने वाले की मदद करनी चाहिए, जो भी इंसान मुसीबत में, हमें मुसीबत में पड़े हुए इंसान की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी ऐसी है, वो उसको उसकी मदद करता है, उसको उठाकर जो अपने साथ घर उसके अपने कंधे पर उठाकर उसको घर ले जाता है। घर पर उसकी माँ होती है, उसकी बहन होती है। बहन का क्या नाम बताया था मैंने कल, तापसी। तो उसकी बहन और उसकी माँ होती है, वो उसकी सेवा करते हैं और फिर वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो और एक वो जो है अब्राहम के अंदर दयालु इंसान था, दया की भावना थी उसके अंदर, परिश्रमी था, हर चीज को करने की लगन रहती थी। तो इन्हीं सब चीजों के कारण वो क्या हुआ, एक दिन अपने जीवन में उसने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की, अपने हर काम में सफलता प्राप्त की। तो एक दिन क्या हुआ, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन। ठीक है, तो ये चैप्टर यही था, तो हमने पढ़ लिया था। इसके हमारे कठिन शब्द और शब्दार्थ भी हो चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बेटा शब्दार्थ आपको पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, पक्के इरादे। अचरज हैरानी, इस चीज को देखकर एकदम हैरान हो जाना, अचरज में पड़ जाना, हैरान जाना, अचरज हैरानी। मनुष्यता इंसानियत, सहमत एक ही मत होना, इट मीन्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना एग्री, कि कोई एक चीज ले रहे हैं कि हाँ भाई तुम इसके लिए एग्री हो, यस मैं एग्री, मैं आपके साथ, आपके साथ। ठीक है, साथ रहना, सहमत एक ही मत। प्रयास कोशिश, ट्राई। हरकत हिलना डुलना, जिसको हम मूवमेंट कहते हैं। निष्ठावान जिम्मेदार या कर्तव्यपरायण। ठीक है, स्मरण, स्मरण मतलब याद, मेमोरी। ये थे हमारे चर्चा। अब हम करते हैं इसके मौखिक प्रश्न पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बालक किस समय घर जा रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन का हम उत्तर लिख देते हैं। सिर्फ मैं आंसर करा रही, क्वेश्चन आप अपने उत्तर लिखते जाइए। मौखिक का बालक किस समय घर जा रहे थे, हम क्या लिखेंगे, बालक किस समय जा रहे थे घर, संध्या के समय यानी कि शाम। बालक संध्या के समय घर जा रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, बालक संध्या के समय घर जा रहे थे। सेकंड का देखो बेटा, सेकंड में है घोड़ा किस हालत में था, किस हालत में था। घोड़ा जब आया तो उसके ऊपर घुड़सवार नहीं था, लेकिन पीठ पर क्या थी, पीठ पर उसके जिन थी। तो घोड़ा किस हालत में था, घोड़े पर घुड़सवार नहीं था, मगर पीठ पर जिन थी। घोड़े पर घुड़सवार, ठीक है, नहीं था,
घोड़े पर घुड़सवार नहीं था मगर पीठ पर दिल थी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा रहता है थर्ड। थर्ड में हमारा क्या है, क्या सभी बालकों ने उस बेहोश व्यक्ति की मदद की थी? नहीं, सभी बालकों ने नहीं की थी, केवल अकेले अब्राहम ने की। उत्तर क्या आ जाएगा, नहीं नहीं सभी बालकों ने नहीं सभी बालकों ने उस नहीं सभी बालकों ने उस घुड़सवार की मदद नहीं की। नहीं सभी बालकों ने उस घुड़सवार की मदद नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्राहम बड़ा होकर किस देश का राष्ट्रपति बना? अब्राहम बड़ा होकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ठीक है, बड़ा होकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। फिर से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था कि बालक संध्या के समय कहाँ जा रहे थे? तो क्या लिखेंगे, बालक संध्या के समय घर जा रहे थे। यानी क्वेश्चन है हमारा, बालक किस समय घर जा रहे थे? बालक संध्या के समय घर जा रहे थे। सेकेंड देखो, घोड़े घोड़ा किस हालत में था? तो आंसर हमारा, घोड़े पर घुड़सवार नहीं था मगर पीठ पर जिन थी। घोड़ा अकेला था, उसके ऊपर घुड़सवार नहीं था लेकिन उसके पीठ पर जिन थी। थर्ड है, क्या सभी बालकों ने उस बेहोश व्यक्ति की मदद की थी? नहीं, सभी बालकों ने उस सॉरी इसने लिखना था कि सभी बालकों ने उस बेहोश व्यक्ति की मदद नहीं की। उस घुड़सवार की जगह आ जाएगा उस बेहोश व्यक्ति। वैसे तो घुड़सवार ही था, नहीं सभी बालकों ने उस बेहोश व्यक्ति की मदद नहीं की। ठीक है, उस बेहोश व्यक्ति की मदद नहीं की। तो बेहोश व्यक्ति जैसे घुड़सवार था, ऐसे घुड़सवार भी आ सकता है, ऐसे बेहोश व्यक्ति भी आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया, हम रिप्लाई बेटा वही करते, तो नहीं सभी बालकों ने उस बेहोश व्यक्ति की मदद नहीं की। अब्राहम बड़ा होकर किस देश का राष्ट्रपति बना? अब्राहम बड़ा होकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ये थे हमारे आज के मौखिक प्रश्न उत्तर। मैंने एक बार आपको चैप्टर दोबारा से उसकी छोटी सी समरी बता दी। अभी हमने इसके शब्दार्थ भी रिपीट कर लिए थे और अब हमने इसके मौखिक प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। तो आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बेटा कहीं कोई डाउट रहता तो फिर भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।